रेलवे निजीकरण के विरोध में उतरे नरमू के कार्यकर्ता। पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया रेलवे फाउंडेशन द्वारा एक लिखित पत्र के रूप में मंत्रालय को जारी किया गया है। उसमें पूरे हिंदुस्तान के जो ट्रेनें हैं प्राइवेट निजीकरण को सौंपने के लिए, उसमें जो दिल्ली से लखनऊ के लिए गाड़ी चली है रेलवे मंत्रालय ने प्राइवेट एजेंसी को देने का काम किया है। इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र रेलवे मंत्रालय को दिया गया है। इस संबंध में पूरे मंडल के शाखाओं को इस बारे में सूचित किया गया है। इसी को लेकर आज तक रैली निकाल कर प्रदर्शन किया गया है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष आर के वाली, मंडल सचिव राजेश चौबे, ए के शुक्ला, ए के शर्मा, समेल खालिद, गोपेश चौधरी, मनोज शर्मा, सुनील शर्मा आदि मौजूद थे। जी, आज किन मांगों को लेकर आपका प्रदर्शन किया गया है? आज पूरे भारत वर्ष में ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा एक पत्र लिखित रूप में रेल मंत्रालय को जारी किया गया, जिसमें हिंदुस्तान की जो ट्रेनें हैं वो प्राइवेट निजीकरण को सौंपने के लिए एक विरोध करने जैसा था। उसमें तेजस गाड़ी जो लखनऊ से दिल्ली के लिए चली है उसको लेकर जो उन्होंने रेल मंत्रालय ने प्राइवेट एजेंसी को देने का काम किया है उसको लेकर कड़े चेतावनी तौर पर उन्होंने पत्र लिखकर रेल मंत्री को दिया कि इसका हम पूरे भारतवर्ष में पुरजोर विरोध नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन और इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन करेगा। उसी के तहत आज हमने अपने मुरादाबाद मंडल के तमाम साथियों को एकत्रित कर पांचों लोकल हमारी जो शाखाएं हैं उनको भी हमने एकत्रित किया। उसके अलावा पूरे मंडल में जो भी हमारी शाखाएं हैं उनको भी ये चेतावनी दी कि आप लोग अपने अपने शाखाओं में इसका पूरी तरह से विरोध करें। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने 11 बजे आपका रेलवे स्टेशन पर एक जुलूस निकालकर इसका विरोध करते हुए अपनी बात रखने का काम किया। उस संदर्भ में तमाम साथियों से बातचीत करते हुए हम लोगों ने एक जिसे कहना चाहिए कि एजेंडा कि वो अपने मंडल रेल प्रबंधक को जो जनरल मैनेजर के तौर पर उनको सौंपने का काम किया है, जो वहां से जनरल मैनेजर को वो देंगे। और हमारी भावनाएं और हमारी जो भी चीजें अर्थात हो रही हैं उसको लेकर हम लोग लगातार जो कहना चाहिए संघर्ष की राह चुनने के लिए तैयार हैं। आगे भी जो भी डर होगा निर्देश केंद्र सरकार का उस पर हम उसको उतरते हुए उसको पूरी तरह से विरोध करने का काम करेंगे। अभी हमारी जो आपको पता है तेजस ट्रेन चली, इस तेजस ट्रेन में जो भी लोग यात्री करेंगे यात्रा अपनी, तो उन यात्रियों का जो किराया, आपको स्वाभाविक सी बात है कि आज की तारीख में भारतीय रेल जो है अपने किराए बढ़ा नहीं पा रही है और उनको ये लगता है कि किराए बढ़ने चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव समझ लीजिए या पब्लिक का दबाव की वजह से वो इस बात को बैकफुट पे होने की वजह से उन्होंने एक नया एक रास्ता इख्तियार किया जिसपे कि प्राइवेट एजेंसीज को गाड़ी दे दी जाए और वो प्राइवेट एजेंसी मनमाने जिसे कहना चाहिए अपना एक जो किराया है उसको तय करे और तय करते हुए वो इसको बढ़ाने का और थोपने का काम उन पर भी करेगी जो हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर जितने भी यात्री हैं। तो कहीं ना कहीं इसका दबाव उन यात्रियों पर भी पड़ने का काम होगा जिसको लेकर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन उनकी ये भी आवाज को उठाने का काम कर रहा है, साथ साथ में अपने उन कर्मचारियों को भी जो कर्मचारी निरंतर अपनी सर्विसेज देकर भारतीय रेल को चलाने का काम कर रहे हैं, जो भी सुरक्षित तौर पर चलनी चाहिए वो भी कहने में पूरा प्रयास है। नए ट्रैक बदलने नहीं जाते थे, आज की तारीख में नए ट्रैक बदलने आपको लग रहा है, देखा भी होगा आपने चंद दिनों में जो घटनाएं हैं वो भी कम हुई हैं।